दोस्तों, कश्मीर में जो हालात हैं और जो रहे हैं वो क्यों रहे हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल डेटा लिंक के साथ डेट वाइज दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वहां से पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज समझ आएगी। 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद 1982 से 1987 के बीच हमारे देश की रूलिंग पार्टी कांग्रेस, जो किसी भी तरह से कश्मीर पर से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहती थी, इसी की वजह से उन्होंने कई गलत डिसीजंस लिए और कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कुछ हद तक बहुत ही ज्यादा दोगले थे और पावर के भूखे थे, जिनको सीएम बनने का मौका मिलने के बावजूद भी वो कश्मीर को स्टेबल नहीं रख पाए, जिसकी वजह से कई सेपरेटिस्ट ग्रुप बन गए, जैसे JKLF, जमाते इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन। अब इन सब के भी अपने अपने अलग अलग मोटिव थे। अब इन सब चीजों को देखकर 1987 में इलेक्शन करवाए गए, जिससे कश्मीर के लोगों को ही चांस मिले अपना लीडर चुनने का। पर कांग्रेस की इनसिक्योरिटी की वजह से इलेक्शन रिग्ड थे और इसी के बाद से बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटिमेंट कश्मीर में फैलने लगा इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो सेपरेटिस्ट थे ना, वो पाकिस्तान और रिच इस्लामिक कंट्रीज की मदद से टेररिस्ट बन गए और फिर वहां कॉमन मुस्लिम्स को भी रेडिकलाइज करने का काम शुरू हो गया धर्म और पैसे की मदद से। तभी से कश्मीर के हालत बहुत खराब हो गए और कश्मीर में रहने वाले इंडियंस को दुश्मन की तरह देखा जाने लगा। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। एक बार मैं जून 2017 में श्रीनगर में रह रहा था। वहां पे मैं अपने भाइयों के साथ ना साइकिलिंग करता था डल लेक के अराउंड। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ ना मुस्लिम कश्मीरी लोकल लड़के हमारे आसपास साइकिलिंग करने लग गए। हमारी साइकिल से उनकी साइकिल टकरा भी गई, उन्होंने ही मारी थी। तो हमने कहा कि भाई ढंग से चला लो, साइड होकर चला लो। तो वो बोलते कि ये हमारा कश्मीर है, हम जहां चाहेंगे वहां साइकिल चलाएंगे। इसलिए मुझे काफी रेडिकल लेफ्ट सोच रखने वाले लोग जैसे अरुंधति रॉय या फिर डॉक्टर मेनन, इनकी बात ना सही नहीं लगती, जो ये बोलते हैं कि कश्मीर वाले सिर्फ आजादी ही तो मांग रहे हैं या मणिपुर में लोग आजादी ही तो मांग रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये लोग फ्रीडम फाइटर नहीं है। और ऐसे ही हम आजादी देने लग जाए ना और वो आजाद होकर दूसरे देश के साथ जुड़ने लग जाए, तो थोड़े टाइम बाद राजस्थान में भी ऐसा होगा, फिर पंजाब में भी ऐसा होगा, फिर इंडिया के कई सारे बॉर्डर्स में यही चीज होने लगेगी। तो इतना इतना बेवकूफ बनना ना सही नहीं है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जानने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी हाल ही में आई कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कुछ हद तक इस मूवी से ही जुड़ा है। इस मूवी में पहली चीज दिखाई गई है कि कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, और जिसको हम एक्सोडस बोलते हैं ना, वो जेनोसाइड है। मुझे मूवी का ना ये पार्ट बहुत अच्छा लगा, पर स्टिल कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे समझ आ रही थी कि इस मूवी में ना काफी ज्यादा मैनिपुलेट करके दिखाई गई हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट कि इस मूवी में इस्लामोफोबिया के नैरेटिव के साथ कई सारे फैक्ट्स बताए गए हैं। और दोस्तों, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, आप थिएटर के रिएक्शन देखो। अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। ये मूवी तो हिंदुओं के जेनोसाइड के ऊपर है ना, जो टेररिस्ट के द्वारा किया गया। फिर क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवी में जितने भी मुस्लिम कैरेक्टर्स दिखाए हैं ना, उन सबका नेगेटिव रोल रहा है। आपको एक ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलेगा जिसका पॉजिटिव रोल हो, जो हिंदुओं की मदद कर रहा हो। पर आप में से कुछ लोग अभी बोलोगे कि यार टेररिस्ट मुस्लिम ही तो थे, तो फिर क्यों ना दिखाएं? दोस्तों, ऐसा नहीं है। कई सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1990 से पहले जामिया मस्जिद के जो मीरवेस थे ना, मौलवी फारूक शेख, वो नहीं चाहते थे कि हिंदू कश्मीर छोड़कर जाएं। और कई सारी श्रीनगर में रहने वाली हिंदू फैमिलीज उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, क्योंकि जब ये जेनोसाइडल एक्सोडस शुरू हुआ था ना, उन्होंने कई सारे हिंदुओं की मदद की थी। हिंदुओं ने अपना घर खो दिया था तो उन्होंने उनको रहने की जगह दी, उनको खाने की जगह दी। पर इस चीज के बारे में मूवी में कहीं नहीं बताया है। और क्योंकि उन्होंने हिंदुओं की मदद की, इसलिए टेररिस्ट ने उनको मार भी दिया था। और अगर आपने मूवी देखी हो ना, तो आपको ये याद होगा कि उसमें ये टेररिस्ट बिट्टा कराटे का इंटरव्यू है। ये पूरा इंटरव्यू रियल लाइफ से कॉपीड है, पर रियल बिट्टा कराटे का ये रियल इंटरव्यू बताता है कि उसने हिंदुओं के साथ मुसलमानों को भी मारा था, जो मूवी के इंटरव्यू में नहीं दिखाया गया। सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे कि कोई मुसलमान भी थे उसमें? यानी इस मूवी में ना कुछ फैक्ट्स जो बहुत जरूरी थे उनको छोड़ा गया है। दूसरा पॉइंट, इस मूवी के नैरेटिव में कुछ ऐसी बातें की गई हैं
जो JNU को गलत रीजन के साथ टारगेट कर रही हैं। दोस्तों, ये जो आप मूवी में राधिका मेनन का कैरेक्टर देखते हैं ना, ये रियल लाइफ में निवेदिता मेनन एक JNU की प्रोफेसर है, उनके ऊपर बेस्ड है। और मूवी में प्रोफेसर का स्पीच और रियल लाइफ में प्रोफेसर का जो स्पीच है ना, वो काफी हद तक सेम है, पर उसमें एक चीज बिल्कुल अलग है। रियल लाइफ में JNU में ये कभी नहीं कहा गया, इसकी कोई वीडियो भी नहीं है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, पर ये चीज मूवी वाले ANU में कही गई है। जो कि एक गलत फैक्ट है। अब इस नारे के ऊपर जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी जी ने सवाल किया कि ये नारे किसने लगाए मूवी के डायरेक्टर से, तो विवेक जी ने कुछ ऐसा बोला। और वो नारे किसने लगाए? मुझे क्या लेना देना किसने लगाया, किसी ने तो लगाए। अब आपको ही बोले, अच्छा तुमने नारा लगते देखा था? नहीं देखा मैंने, कहा नहीं लगाया किसी ने नारा, एज अ फिल्म मेकर मैंने लगाया। चलिए दोस्तों, इतनी बड़ी बात जो हम इंडियंस के दिल में एकदम आग लगा देना, उसको आप बिना एविडेंस के साथ नहीं बोल सकते, और स्पेशली उस मूवी में जिसको हर कोई देख रहा है। तीसरा पॉइंट, बहुत स्मार्टली इस मूवी का एक सीन ये दिखाता है कि जो सरकार से सवाल पूछ रहा है ना, उसका एक अपना पर्सनल नेगेटिव एजेंडा है। जैसे आप ये सीन देखिए। तो एक विलन भी तो होना चाहिए। कौन है तुम्हारी कहानी का विलन? टेररिस्ट। क्यों है टेररिज्म? बिकॉज़ ऑफ ऑपरेशन। और कौन कर रहा है ऑपरेस? स्टेट। एक्जेक्टली, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझे? देखो, टेररिज्म को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, ब्लेम ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को विलन बनाओगे ना, तब तुम्हारे पास पावर आएगा, बेटर नेगोशिएट करने का पावर। दैट्स एक्सटॉर्शन मैम, नॉट नेगोशिएशन। इस पूरे डायलॉग आर्गुमेंट से ना, इस आइडियोलॉजी को गलत साबित करने की कोशिश की गई है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना, तो ये चीज सही है। मैं बताता हूं, टेररिज्म ही रियल प्रॉब्लम है। पर क्यों है? क्योंकि ऑपरेशन है, और ऑपरेशन में आर्मी वाले की बात नहीं कर रहा। आर्मी तो कंट्रोल कर रही है, वो झेल रही है। किसका ऑपरेशन, किसकी गलतियां? ये ऑपरेशन हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इसीलिए गवर्नमेंट की गलती है। पहले जब कांग्रेस थी तब गलत डिसीजंस लिए, फिर उसके बाद जब एक्सोडस हुआ और सिचुएशन बेकार ही होती रही, तो उसको सही करने के लिए जो वादे किए वो पेपर तक ही रहे। फिर उसके बाद बीजेपी आई। बीजेपी ने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था, 2019 से पहले आर्टिकल 370 हटाएंगे, पंडितों को वापस उनके घर पहुंचाएंगे, वहां इंस्टीट्यूट और जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे, और इसी के साथ POK में जो माइग्रेंट्स है ना, उनको भी वापस लाएंगे, उनको भी रहने की जगह देंगे। पर 8 साल हो चुके हैं और इसमें से सिर्फ एक ही वादा पूरा हुआ है, 370 हटाने का। आर्टिकल 370 हटे 3 साल होने वाले हैं, और कश्मीरी पंडितों की जो बेसिक हालत है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आया। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई है। उल्टा कश्मीरी पंडितों ने प्रोटेस्ट किया है कि सरकार हमें वापस क्यों नहीं लेके जा रही कश्मीर। RRKP ये ना एक एक्टिविस्ट ग्रुप है जो कश्मीरी पंडितों को ना वापस ले जाने की बात करता है कश्मीर वैली में। इस ग्रुप के चेयरमैन सतीश महालदार बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने 3,000 acres लैंड इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी है, पर हमारे लिए, पर पंडितों के लिए उन्होंने 200-300 acres लैंड भी अलॉट नहीं की। और इतने टाइम से ना कश्मीरी पंडित इसी चीज की मांग कर रहे हैं। फिर अनुपम खेर जी ये बोलते हैं, इट विल टेक कंड्यूसिव फॉर मोर पीपल टू गो बैक। पीपल डोंट वांट टू गो बैक टू द सेम प्लेसेस, दे आर हॉरिफाइड दैट दे विल बी किल्ड अगेन। ये सब दुगला पत्र। इसलिए फोर्थ पॉइंट है कि हिंदू पंडितों के लिए एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ, पर उनके दर्द को यूज किया जा रहा है एक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। देखो, पहले अपना ये थिएटर का रिएक्शन देखो। वो मस्जिद नहीं रहनी चाहिए, मस्जिद तोड़ देनी चाहिए। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कटकों को इस देश से निकाल के भगा। उनकी औरतों का भी यही हश्र होगा, वो सुन ले उनकी औरतें। अब देखो, आप इस चीज को एकदम ध्यान से समझो। हमारी पॉलिटिकल पार्टी का ना इकोनॉमी से जुड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, पर उन्होंने कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं। उन्होंने देश में कई सारे मंदिर बनवाए, अपने लीडर्स की मूर्तियां बनवाई, CAB, CAA और NRC लॉ लाए, जिससे बाहर के देश के हिंदू इंडिया में आके रह सके। पर इन कामों की इतनी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं कर रहा, पर पॉलिटिकल पार्टीज के मुताबिक इन कामों की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि यही उन्होंने सबसे अच्छे किए हैं। तो वैल्यू कब होगी? जब लोगों को लगेगा कि ये चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और लोगों को ये चीजें जरूरी कब लगेंगी? जब लोगों के दिल में डर होगा,
और एक इनसिक्योरिटी होगी, उनका हिंदू धर्म उजड़ सकता है, खत्म किया जा सकता है मुस्लिमों के द्वारा। इसलिए आप ये चीज सुन रहे होंगे कि जिस स्टेट में हमारी रूलिंग पार्टी है ना, उन स्टेट्स में ये मूवी टैक्स फ्री हो गई है, और हमारी रूलिंग पार्टी के कई सारे नेता लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जाके देखो ये मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। इसलिए विवेक अग्निहोत्री जी का एक एजेंडा है, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, वो ये खुद बोलते हैं। आप जुड़े हैं मोदी जी से? मैं मोदी जी पे बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई डेफिनेटली सपोर्ट हिम एज द लीडर, बिल्कुल करता हूं मैं उनको सपोर्ट। तो ये बिल्कुल गलती भी मत कर लीजिएगा मानने की कि मैं सिर्फ फिल्म मेकर हूं। मेरा एजेंडा है। अच्छा, मेरा एजेंडा वो आपको, आप पता करिए मैं क्या बताऊं अपना एजेंडा आपको। इसीलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन और शुरुआत के क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम है, हमें हिंदू मुस्लिम छोड़कर ना सॉल्यूशन पर आना है। इस चीज को ध्यान से सोचना है कि क्या सरकार इन गरीब हिंदू मुस्लिम्स की लाइफ सुधारने में एक्शंस ले रही है, क्या वो इनकी लाइफ सही से सुधार रही है जिससे ये लोग 8-8, 10-10 बच्चे पैदा ना करें, फ्रस्ट्रेटेड होकर मॉरल पुलिसिंग ना करें, ऊंच नीच ना करें, या गरीबी की वजह से किसी के बहकावे में आकर देश से बगावत ना करें। इसके अलावा आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि कश्मीर फाइल्स मूवी के कुछ एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। हिंदुओं का दर्द दिखाना, कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया, वो बहुत अच्छी चीज है, पर कुछ एस्पेक्ट बहुत गलत हैं, जो रियलिटी को ब्लैक और व्हाइट में दिखा रहे हैं। दोस्तों रियलिटी कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ये चीज आप ध्यान में रख के इस मूवी को देखें।